अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ था, उस वक्त तमाम चुनाव प्रचार में पल्लवी पटेल कहती थी कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हैं और उनके बड़े भाई उनका हमेशा ख्याल रखेंगे, उन्हें इस बात का पूरा यकीन है। अखिलेश यादव भी उनको अपनी छोटी बहन मानते थे, हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से ये बात नहीं बोली। आज अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि ये गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए था, इस चुनाव में अपना दल से कोई गठबंधन नहीं होगा। इससे सपा का कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अपना दल का बहुत बड़ा नुकसान है। पल्लवी पटेल इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हराया, इस वजह से उनकी चर्चाएं बनी रहती है। लेकिन उन्होंने जिस विधानसभा से डिप्टी सीएम को हराया, वहां पर यादवों का वोट भी अच्छा है, उन्हें मुस्लिमों का वोट भी मिला और उनकी बिरादरी पटेल समाज का वोट तो मिला ही, जिसकी वजह से उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ आवाज़ उठाई, खासकर पीडीए को लेकर। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा कैंडिडेट को वोट नहीं देंगी क्योंकि वो अपनी माताजी कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजना चाहती थी, ऐसी भी खबरें आई। फिर एमएलसी का चुनाव आया, एमएलसी के चुनाव में वोटिंग नहीं हुई क्योंकि सपा ने चौथा प्रत्याशी दिया ही नहीं, तो ऐसे में उनको किसी विधायक की वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तीन प्रत्याशियों के लिए सिर्फ 87 विधायक चाहिए थे। सपा के पास अकेले दम पे अगर बागियों को भी हटा दे तो 100 के करीब विधायक हैं। ऐसे में अगर पल्लवी पटेल वोट करती ना करती उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जिसके बाद ऐसी खबर थी कि वो नाराज़ है क्योंकि उनकी माता जी कृष्णा पटेल को विधान परिषद भी नहीं भेजा गया। अब उन्होंने कल एक आखिरी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई और तीन सीटों पर घोषणा कर दी कि वो इन तीन सीटों पर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी, और आज अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि अपना दल से कोई गठबंधन नहीं होगा। अब अखिलेश यादव से ऊपर होकर कांग्रेस भी नहीं कह सकती कि वो अपना दल से गठबंधन करेंगी। अगर वो करेंगे भी तो अखिलेश यादव कह देंगे ठीक है, आपके हिस्से में 17 सीटें आई हैं, उनमें से जो सीटें आप देना चाहें उन्हें दे दीजिए, मैं तो इस वक्त गठबंधन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में जो प्रेशर पॉलिटिक्स हुई थी अपना दल कमेरावादी की तरफ से, यूँ कह लीजिए पल्लवी पटेल की तरफ से, शायद उनसे अखिलेश यादव आहत हुए और इस वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया है। अब पल्लवी पटेल को अकेले ही अपनी बहन की पार्टी अपना दल सोनेलाल और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनावों में मुकाबला करना होगा। वो कितना मुकाबला कर पाएंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो पल्लवी पटेल के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। अखिलेश यादव से उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं और भाजपा में उनको एंट्री मिलेगी नहीं क्योंकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल वीटो लगा देंगी। अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, उनकी पार्टी का हश्र, क्या वो किसी सीट को जीत पाएंगी या फिर जो तीन सीटें वो लड़ने की बात कर रही हैं या तीनों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।